गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे आई एक्सप्लेन एसएस चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1. आज जो है हम लोग चैप्टर 11 पार्ट 1 जिसमें है वाटर रिसोर्सेस, भारतवर्ष में वाटर रिसोर्सेस उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. वाटर, वाटर एक ऐसा चीज़ है, हम लोग खाने के बिना तो रह सकते पर पानी के बिना हम नहीं रह सकते. पानी हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्रियल बेसिस तक हमको क्या चाहिए, पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो ये पानी जो है कैसे हमारी ज़िंदगी में काम आते हैं और इसको हमको और बेहतरीन कैसे बनाया जाता है, इसके इरिगेशन फार्मूला कैसे हैं, कैसे इसमें और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देयर इज अ वाटर हैज देयर इज अ लाइफ. पानी, पानी का मतलब ही है जिंदगी. पानी एक जिंदगी. एनी टाइप ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड ऑन द अर्थ विदाउट द वाटर. कोई भी तरह की जिसमें प्राण हो तो वो जो पानी बगैर कुछ सोच ही नहीं सकता, पानी के बगैर कुछ भी नहीं. देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा वाटर रिसोर्सेज. तीसरा द लिस्ट ऑफ इट्स यूसेज इज वेरी लॉन्ग. इसका जो लिस्ट है बहुत बड़े हैं, प्रोसेस है कैसे इसको यूज करते. एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यूज वाटर सस्टेन इट्सेल्फ. ये जो है हमारे बायोटिक मतलब जो पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी रेटेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड अमाउंट ऑफ वाटर यूजेस इन इट. एग्रीकल्चर से लेके सब काम में हमारी जो है हम लोग यूज करते हैं पानी को. वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग डोमेस्टिक यूजेस इन इंडस्ट्रीज. अभी जो मैंने कहा था हमारे रोज जो घर के काम के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, सबके लिए जो है पानी की जरूरत पड़ती है. वाटर शॉर्टेज इज बींग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ विच इज बींग यूज टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. वाटर जो पानी जो हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं, क्योंकि अगर पानी के कभी भी हम लोगों को मतलब कम पड़े और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए तो हम इससे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं. विथ दिस कंसिडरेशन इट इज नेसेसरी टू यूज वाटर स्प्रेडिंगली. और इस वजह से जो है हम लोग जो है पानी को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज अ लिमिटेड रिसोर्स. पानी जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है. नो अदर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस. और कोई भी रिसोर्स हम इसके जगह पे नहीं यूज कर सकते. इफ द एनवायरमेंट एग्जिस्ट इट इज बिकॉज ऑफ वाटर. सो वाटर इज एन इंस्प्रेसिबल पार्टिकल. अगर कारण है कि हमारे जो एनवायरनमेंट अभी जो हमको बचाना है तो हमको पानी जो है वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा. सोर्सेस ऑफ वाटर. देयर आर थ्री सोर्सेस ऑफ वाटर. रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर. तीन तरह के पानी के जो है सोर्सेस ऑफ वाटर है. उसमें से रेन वाटर. रेन इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द वाटर इन द अर्थ. जो बारिश है वो ओरिजिनल सोर्स है पानी का इस पूरे रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, वेल एट्सेट्रा एंड सेकेंडरी सोर्सेस. ऑल दिस सोर्सेस एग्जिस्ट ड्यू टू द रेनफॉल. जितने भी सोर्सेस है वो रेनफॉल के साथ जुड़ते हैं. सरफेस वाटर. द वाटर ऑन द सरफेस द अर्थ फाउंड इन फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम्स. कहाँ कहाँ पे पानी हमको मिलते हैं इस पृथ्वी मतलब इस धरती में, लेक में, रिवर में, नदी में, तालाब में, ले मतलब झील में, समुंदर में और छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स है झरने में. तो इसको जो है सरफेस वाटर कहते हैं. रिवर आर द मेन सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर. रिवर का जो मेन सोर्सेस है सरफेस वाटर है. ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमंग द सोर्सेस ऑफ वाटर. ग्राउंड वाटर जो है वो एक बहुत ही बड़े पैमाने में सोर्सेस ऑफ वाटर है. ग्राउंड वाटर जो है वो एक प्रोसेस है जो वाटर को मतलब लोअर स्टेट्स में जमीन में जाते हैं. वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड. जो इसका जो ग्राउंड वाटर है एकदम अनलिमिटेड है. इन द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया
देर इज अबाउट 42% ग्राउंड वाटर, हमारे पूरे देश में 42% ग्राउंड वाटर है इन साउथर्न इंडिया। अगर हम लोग देखें दक्षिण भारत की तरफ, देर इज लेस ग्राउंड वाटर ड्यू टू प्लेटू एंड माउंटेन रीजन, क्योंकि जो प्लेट्यू और प्लेन्स एरिया होते हैं और माउंटेन रीजन होते हैं, ग्राउंड वाटर यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर इरीगेशन। ग्राउंड वाटर को जो है हम लोग जो है यूज़ करते हैं किसी ना इरीगेशन के लिए। वाटर रिसोर्सेज एंड यूजेस, इरीगेशन अबाउट 84% ऑफ वाटर इंडिया यूजफुल फॉर, 84% जो है वो इरीगेशन के लिए इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल अबाउट 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ व्हीट, पैडी, जूस, जूट, सुगर कैन क्रॉप एंड रिक्वायर मोर वाटर। 15,000 लीटर 1 kg गेहूँ, चावल, सन और सुगर कैन के लिए जो है यूज होते हैं। वाटर इज बीइंग यूज टू इरीगेशन सिंस एंसेंट, पानी को जो है उपजाऊ का जरिया पहले से ही बना के रखा है। कब से ना, सेच, इरीगेशन का मतलब सेच का जरिया बना के रखा है प्राचीन काल से। इन सेकेंड सेंचुरी द फेमस ग्रैंड एंशियंट कैनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कावेरी 1882 को जो है एक कैनल बनाया गया था कावेरी नदी रिवर के ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर। द ईस्टर्न यमुना कैनल वॉज कंस्ट्रक्टेड, ईस्टर्न यमुना कैनल जो है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। देयर आर थ्री मीडियम्स इरीगेशन इन इंडिया, तीन तरह के मीडियम्स इरीगेशन है हमारे भारतवर्ष में। कैनल्स पॉन्ड्स कम सेकेंड, पॉन्ड्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कैनल्स मीडियम्स इरीगेशन कैनल्स पॉन्ड्स कम सेकेंड एंड थर्ड प्लेस। कैनल्स और पॉन्ड्स जो है वो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। कैनल इरीगेशन प्रैक्टिस इन द वर्स्ट प्लान्स इन सतलुज, कैनल इरीगेशन जो है उसकी जो सेच पद्धति है, सिंचाई पद्धति बहुत बड़े पैना में सतलुज, गंगा, यमुना नदी के ऊपर हम लोग देखने को मिलते हैं। और इसका और एक जो डेल्टा है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इसके जो ईस्टर्न प्लेन्स है यहाँ पर भी हमको ये देखने को मिलते हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर वेरी कॉमन इन एलुवियल, एलुवियल जो प्लेन्स है मिट्टी का, जो जहाँ पर एलुवियल मिट्टी अवेलेबल है वहाँ पे हमको वेल्स और ट्यूबवेल्स देखने को मिलते हैं। इरीगेशन बाय पॉन्ड्स प्रैक्टिस मोर इन ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट्स, बहुत ज़्यादा दक्षिण भारत में तालाब के जरिए सिंचाई की पद्धति चालू है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मेनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स फॉलो इंडिया, बहुत सारे बड़े और छोटे जो नदी हैं इंडिया में फ्लो करते हैं भारतवर्ष में। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी रिच इन इंडिया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही रिच है हमारे इंडिया में। दिस इज बिकॉज द फिजियोग्राफी रिसर्च दैट मेनी रिवर्स माइग्रेट द रिवर्स एंड एम्प्टी देयर वाज वाटर, बहुत सारे नदी हमारी भारतवर्ष में हैं और अगर वो खाली हो जाते हैं तो वो भर देते हैं कौन ना हमारे समुंदर। विद द आइडिया दैट इज वाटर एनी हंड्रेड अर्निस्ट वेरियस पर्पस, इसलिए जो है बहुत अलग अलग पर्पस में यूज होते मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में भी। देखो यहाँ पे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, रिवर का नाम लिखा और स्टेट टू बी बेनिफिटेड, तो ये जो है ये टेबल मुझे 2 times करके आपको बताने हैं और उसके साथ साथ आपको होमवर्क में और सोर्सेस ऑफ वाटर 3 जो है वो लिखने हैं, टाइप्स ऑफ वाटर का और उसके साथ इरीगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी लिखने हैं। तो आज हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरीगेशन पढ़ते हैं कि इसको कैसे हम लोग एरिया बेसिस सिंचाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इसका विभाजित करते हैं। देयर इज डिफरेंस रिगार्डिंग एरिया इरीगेशन इज एवरी स्टेट, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में इसको डिवाइडेड किया जाता है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, डेल्टा रीजन्स गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, महानदी डेल्टा उड़ीसा, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन इरीगेशन इन द कंट्री, अलग अलग तरीके से जो इंसेंटिव देश में इन लोगों को इरीगेशन होते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो आज़ादी के बाद द इरीगेटेड एरिया इंक्रीज 4 times, 4 तरीके से इरीगेशन जो है इसको बढ़ाया गया है। इरीगेशन प्रैक्टिस अबाउट 38% नेट सोन एरिया, 38% एक एरिया में इसमें दिखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन द इरीगेटेड एंड डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में अलग, जैसे मिजोरम में 70.3% टोटल एरिया में और
90.8% पंजाब में द डिफरेंस बिटवीन टोटल अंडर विद द मोर देन 40% टोटल सन इरीगेशन पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इरीगेशन को डिवाइडेड किया गया और उसके परसेंटेज के हिसाब से इसको चलाए जाते हैं। वाटर क्राइसिस, पानी का क्राइसिस। वाटर नेचुरल गिफ्ट, प्रकृति का देन है पानी। वाटर स्टोरेज इज कंसिडरेबली इंटेंसिफाइड ड्यू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ग्रैंस बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन की बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे पानी का भी डिमांड बढ़ता है फूड ग्रेन्स के लिए, क्रॉप्स के लिए। टू ग्रो कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। अगर कैश क्रॉप हमको उगानी है, खेती करनी है, तो उसका जो हमारे जो अर्बनाइजेशन, हमारे जो शहरों की जिंदगी है उसको हमको जो के हैं इसका लाइफ स्टाइल हमको चेंज करना पड़ेगा। द पोजिशन ऑफ वाटर सप्लाई, इनइक्वालिटी, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, ह्यूमन इंटरेस्ट, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी बदलाव आएंगे और इसका जो क्या है डेवलपमेंट होगा। नाउ डेज द वाटर क्राइसिस इन वेरी एमरग्रीन स्टेटस रीजन। अभी जो है ये वाटर क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा पैना में चल रहा है राजस्थान में, साउथर्न पेनिसुलर प्लेट्यू में और बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पे पानी की क्राइसिस अभी भी चल रही है। एबिलिटी प्योर पीपल और वाट इज बेसिक पार्ट ऑफ एटम्स इंक्रीज एबिलिटी पोर्टेबल वाटर प्लस डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई। इसलिए पानी कम है और वाटर सप्लाई ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो इंसान की चाहिदी भी बढ़ेगी और पानी एक ऐसा चीज़ है जिससे हम बहुत यूज़ करते हैं और हमारे हर काम में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसकी क्राइसिस अभी देखी गई। तो बेटा आज जो है आपको यहाँ पे होमवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अंदर वन टाइम वाटर क्राइसिस, वन टाइम वाटर रिसोर्सेज एंड रूल्स इन इरीगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वन टाइम सोर्सेज ऑफ वाटर, वन टाइम और इसके साथ साथ जो टेबल है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर्स, ये टू टाइम्स मुझे होमवर्क में करके बताना। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। गुड बाय ऑल, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे